कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज को मानते हैं, हिंदू भी बैकुंठ को मानते हैं। तो जरूर हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भगवान की सिखाई हुई नॉलेज, जो राजयोग की नॉलेज है, वो लेती हैं, ग्रहण करती हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ती हैं और भगवान से राजाई ले लेती। भगवान आकर के राजयोग का स्कूल खोलता है, राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता है। इस यूनिवर्सिटी में राजा बनाने का लक्ष्य दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटीज मनुष्यों की होती है, उनमें एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ना एक जन्म के लिए, वो भी बने बने न बने कुछ पक्का नहीं। और यहां तो भगवान बाप गारंटी देते हैं कि अगर रेगुलर और पंक्चुअल होकर के ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। ऐसी बादशाही दे करके जाऊंगा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा, कोई तुम्हारी राजाई के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। ऐसा सतयुग और त्रेता युग का राम कृष्ण का राज्य दे करके जाता हूं। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। त्रेता में राम राज्य होता है। ये नारायण को नारायण किसने बनाया? गीता के ज्ञान ने बनाया। गीता का ज्ञान भगवान शिव आकर के देते हैं। जो ज्ञान देते हैं उससे कृष्ण नारायण बनता है। और राम त्रेता युग में बनता है। नर से नारायण बना करके जाता है। किसको? राम को। इसलिए राम राज्य मशहूर है, नारायण राज्य मशहूर नहीं है, क्योंकि राम ही आकर के नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। वो राम और कृष्ण की आत्माएं जो कभी देवता थी वो अभी साधारण मनुष्य हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं साधारण मनुष्य तन में आता हूं, मुझे आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। मैं गरीब निवास बनकर के आता हूं, गरीब मेरे को पहचानते हैं, साहूकार लोग मेरे को नहीं पहचान पाते।